बजट वर्ष 2022 और 23 को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से प्रदेश की जनता के साथ सीधा वर्चुअल जनसंवाद किया। इस बीच उन्होंने 4 मार्च को प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर कि प्रदेश के लोगों से सीधा वर्चुअल जनसंवाद किया तथा लोगों के जन कल्याण को शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के साथ साथ अन्य बजटीय प्रावधानों पर लोगों को जानकारी दी। इस वर्चुअल जनसंवाद का जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र के लदरूही में भी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारण दिखाया गया। मेरे लिए बहुत आवश्यक था कि मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में भी जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनूं और उनके समाधान के लिए काम कर सकूं। और इसलिए बात को आप लोगों ने देखा भी होगा, 1 साल के कार्यकाल में लगभग हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्र का हमने दौरा किया। हम समझ सके, हम जान सके और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है उस दिशा में आगे बढ़ सके। और स्वाभाविक रूप से जहां लोगों की समस्याओं को समझने के पश्चात हमने नए इनिशिएटिव की शुरुआत की, नए काम की शुरुआत की, उसमें एक चीज को हमने हमेशा मूल मंत्र के रूप में स्वीकार कि सबसे पहले ज्यादा जरूरत उस व्यक्ति के लिए मदद करने की आवश्यकता है, जरूरत उस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जो गरीब है। और इसलिए हमने पहले दिन से अपने भाव व्यक्त किए, जो गरीब है हम उसके करीब हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि पहले आपका फैसला के लिए जोगिंदर नगर से कैलाश की रिपोर्ट।